Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atiqur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And students, in today's lesson we are going to learn about a circle, chord and arc, chapter number 17 and standard 8 in mathematics subject. So let us start by this presentation. तो बच्चों, आज के सेशन में हम आठवीं जमात में रियाजी मजमून में बात करेंगे दायरा, वित्र और कॉस के बारे में. ठीक है, तो बेसिक नॉलेज है ये सर्कल की जो आज के सेशन में हम हासिल करने वाले हैं. सो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ पर जो है तो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है जो सर्कल के ताल्लुक से, उसके बारे में पहले बात करेंगे. So here you can see a circle is a set of points equidistant from a fixed point in a plane. So you see here the fixed point here in a plane. And so this the fixed point is called the center here, okay, of the circle, and the fixed distance is called a radius. This one is a radius, okay. So यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, किसी मुस्तवी में एक मुय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर बाकी तमाम नुकात के सेट को जो है तो दायरा कहते हैं आम तौर पर. ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मोये नुक्ता है इसको जो है तो दायरे का मरकज यानी सेंटर कहते हैं. ओके, याद रखिए यहाँ पर. और यू सी है दैट कि दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाकई किसी नुक्ते को मिलाने वाले कितने को जो है तो दायरे का निस्कुत्र कहते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, तो हम यहाँ पर ओडी से देख सकते हैं जो क्या है, जो कि एक यहाँ पर रेडियस है. ओके, सो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. ओके, so the radius is also the segment joining the center and any point to the or on the center. Okay, so like this we can see the center of the circle and the radius of the circle. Okay, so now you can see here the chord is a segment which joins any two points on the circle. So you can see here this XY, this one you can say this is a chord. Okay, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की दायरे पर वाकई किसी दो नुकात को मिलाने वाले कते को हम दायरे का वित्र कहते हैं, जिसे हम chord कहते हैं. Okay, and this one green line, a diameter is the chord which passes through the center. So यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों के दायरे के मरकज से गुजरने वाले वित्र को जो है तो दायरे का कुत्र या diameter कहते हैं. Okay, so कुत्र दायरे का जो है तो सबसे बड़ा वित्र होता है. Okay, so diameter is the chord which passes through the center. Okay, ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सर्कल. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड हेयर व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज द रेडियस एंड व्हाट इज द कॉर्ड एंड व्हाट इज द डायमीटर हेयर. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर बच्चों हमने जो है तो इस दायरे में हमने देखा, यहाँ पर इसे हम जो है तो दायरे का क्या कहते हैं, इसे हम दायरे का जो है तो निस्कुत्र कहते हैं,
इस तरह से हमने देखा इसे जो है तो दायरे का वित्र कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, और इसे दायरे का जो है तो हम कुत्र कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और ये दायरे का सेंटर है, ओके, ये दायरे का मरकज है। इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द सर्कल। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे और मज़ीद आगे सर्कल के बारे में। सो यू विल सी एन आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कल। द मेज़र ऑफ एन आर्क इज़ इक्वल टू द मेज़र ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दायरे के किसी हिस्से को जो है तो कॉस या आर्क कहते हैं, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है, किसी कॉस की पैमाइश से मुतल्लिका मरकजी जावी की पैमाइश के बराबर होती है, ये हमें याद रखना है यहाँ पर। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क और सेमी सर्कल। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि एक दायरे में जो है तो तीन किस्म के कॉस होते हैं, असगर कॉस, अकबर कॉस और निस्फ दायरवी कॉस, ठीक है, इस तरह से। सो यू विल सी हियर द मेजर ऑफ द सर्कल इज 360। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस मुकम्मल दायरे के बारे में तो आप देखेंगे कि ये जो मुकम्मल दायरा है ये पूरा दायरा जो है तो 360 डिग्री का होता है, ओके। द मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। ये जो है ये इतना हिस्सा ये सेमी सर्कल है, ओके। दिस पार्ट, दिस ब्लू पार्ट इज अ सेमी सर्कल, ओके। और ये सेमी सर्कल जो होता है इट इज 180 डिग्री। कितने दर्जे का होता है ये 180 डिग्री का होता है, ओके। देन द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज लेस देन 180। इससे छोटा अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो आर्क होता है सेमी सर्कल से, अब कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है वो। सो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से इसे इंडिकेट किया है। सो यू कैन सी दिस वन इज अ माइनर आर्क एंड इट मे बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। सेमी सर्कल जो है तो ये एग्जैक्टली कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री का, ओके। लेकिन ये जो सर्कल है सेमी सर्कल माइनर आर्क जो है ये आर्क कितना होता है, ये 180 से कम होता है, ठीक है। कितना भी हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 90 हो सकता है, जो भी हो सकता है, ओके। तो इस तरह से इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे द मेजर ऑफ अ मेजर आर्क इज मोर देन 180। अगर हम मेजर आर्क के बारे में बात करेंगे तो उससे हम यहाँ पर देखते हैं कि वो 180 से बड़ा होता है, ओके। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो है तो पहले सबसे पहले मुकम्मल दायरे के बारे में देखा है, मुकम्मल सर्कल के बारे में कि ये 360 डिग्री का होता है एक कंप्लीट सर्कल जो है। उसके बाद जो हाफ सर्कल है, निस्फ दायरे की जो पैमाइश होती है वो 180 दर्जे होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि अजगर कॉस की जो पैमाइश है, ठीक है, ये जो ग्रीन हमें नज़र आ रहा है ये अजगर कॉस है, ठीक है। तो अजगर कॉस की जो पैमाइश है वो 180 डिग्री से कम होती है ना। मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज लेस देन 180 डिग्री, ओके। सो हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। इसके बाद आप देखेंगे अकबर कॉस की जो पैमाइश है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाफ सर्कल का पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया था ना, ठीक है। अब इसके बाद आप जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये इस सर्कल से यानी इस पॉइंट से भी बड़ा है, यानी इट इज़ अ मेजर आर्क, ये अकबर कॉस है। तो अकबर कॉस इज द मेजर ऑफ अ मेजर आर्क इज मोर देन 180 डिग्री, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो हो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ब्लू कलर को, तो ये क्या हो गया, ये मेजर आर्क है। क्या है ये मेजर आर्क है इस तरह से, ओके।
सो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क, जिसे सेमी सर्कल भी कहते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया है। ओके सो इस तरह से यहाँ पर अब हमारे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो दायरे में तीन कॉस, तीन किस्म के जो कॉस होते हैं, असगर कॉस, अकबर कॉस और निस्फ दायरी कॉस, दायरवी कॉस, उनकी पैमाइश आमतौर पर क्या होती है। ओके सो द मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, द मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज लेस देन 180 डिग्री एंड द मेजर ऑफ अ मेजर आर्क इज मोर देन 180 डिग्री। ओके नाउ here is one activity and I think you can do it very easily. In the figure, O is the center of the circle with a reference to the figure. We are supposed to fill in the blanks. So first is here segment OD is the radius of the circle. This one OD is the radius of the circle. हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किताब OD जो है तो दायरे का निष्कुत्र है। ओके इसी तरह से यहाँ पर जो ग्रीन लाइन हमें नजर आ रही है तो सेगमेंट AB is the diameter of the circle। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेगमेंट है यहाँ पर, यहाँ जो किताब AB है वो दायरे का कुत्र है। ओके इसी तरह से हम यहाँ पर PQ का जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सो PQ ये जो है तो दायरे का वित्र है। ओके सो सेगमेंट पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। ओके सो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो निष्कुत्र, कुत्र और वित्र क्या है इसे समझा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल बी ओ डी जो है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये एंगल बी ओ डी है, ये एंगल, ये सेंट्रल एंगल है, क्या है ये मरकजी जाविया है, क्या है ये मरकजी जाविया है बी ओ डी, एंगल डी ओ बी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि माइनर आर्क अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा आर्क पी ए बी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या दिया है। यहाँ पर दिया है आर्क पी ए बी। सो ये पी ए और बी है, ये आर्क है हमारा यहाँ पर। इसी तरह से हम यहाँ पर आर्क देखेंगे पी डी क्यू, आर्क सॉरी ये मेजर आर्क है। ओके सो दिस वन इज अ मेजर आर्क, पी ए बी इज अ मेजर आर्क, देन पी डी क्यू ये मेजर आर्क है। ओके दिस वन इज अ मेजर आर्क, ठीक है। ये अकबर कॉस है जिसका मुशाहिदा हम कर रहे हैं यहाँ पर, पी ए बी और इसी तरह से पी डी क्यू है, पी डी और क्यू, ये भी जो है तो क्या है, ये भी मेजर आर्क है। इसी तरह से पी डी ए है, पी और इसी तरह से डी और ए, ये अगर हम देख रहे हैं यहाँ तक के तो ये भी क्या है, ये भी मेजर आर्क है। ओके सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से कि पी ए बी है, पी आर्क पी डी क्यू है और आर्क पी डी ए है, ये मेजर आर्क है। ओके
इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि सेमी सर्कल, अगर हम सर्कुलर आर्क अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें देखें तो वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम सेमी सर्कुलर आर्क यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखेंगे ए डी बी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये सर्कल है ये ए डी बी ए, ये सेमी सर्कल हो गया। इसी तरह से ए पी बी है ना, ये ए पी बी, ये सर्कल अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें ये भी हाफ सर्कल है। ओके सो ये जो है तो सेमी आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है, आर्क ए डी बी एंड आर्क ए पी बी है। ओके फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट आर्क डी बी बराबर मेजरमेंट एंगल डी ओ बी, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि डी बी, डी बी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये जो आर्क है यहाँ पर डी बी ये बराबर है किसके, मेजरमेंट एंगल डी ओ बी के, इसके। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मेजरमेंट आर्क दिया है डी ए बी, इट इज डी ए बी, ये जो है डी ए बी, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो मेजरमेंट आर्क डी ए बी इज इक्वल टू 360 माइनस डी ओ बी, ये आर्क इसमें से माइनस होगा। ओके इस तरह से एंगल माइनस होगा इसमें से। और इसी तरह से अगर माइनर आर्क का ऑब्जर्वेशन हम करें यहाँ पर तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं माइनर आर्क भी इसके अंदर, तो आप देखेंगे ए एक्स डी जो है ए यहाँ पर एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए एक्स डी जो है ये एक माइनर आर्क होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं आर्क बी डी, ये आर्क है अगर तो ये भी एक माइनर आर्क है। इसी तरह से पी डी ए है अगर, पी डी ए अगर हम यहाँ पर आर्क ए पी देख रहे हैं, आर्क ए पी ये आर्क भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आर्क भी जो है तो एक माइनर आर्क है। इसी तरह से आर्क पी क्यू अगर हम देखते हैं, आर्क पी क्यू ये इतना हिस्सा अगर हम देख रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक माइनर आर्क है, ठीक है। इसी तरह से बी क्यू अगर हम देख रहे हैं, ये हिस्सा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी एक माइनर आर्क है। ओके तो इस तरह से आज के इस सेशन में बच्चों उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से जो है तो आर्क में आर्क समझ लिया है, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क क्या होते हैं ये। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बच्चों की एक खसूसियत है के दायरे के मरकज से वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर की तंसीफ करता है। ओके सो हेयर वी आर सपोज टू ऑब्जर्व दिस फिगर, सो यू कैन सी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड। सो हेयर इन दिस फिगर यू विल सी दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and segment AB is the chord and segment OM is perpendicular on chord AB, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि O दायरे का मरकज है और किता AB दायरे का वितर है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि AB वितर पर OM जो है तो ये उमूद है, तो तब हम जो है तो यहाँ पर कहेंगे कि ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू वन अपॉन लेंथ ए बी। ओके
इस तरह से। इसी तरह से अब यहाँ पर हम बात करेंगे दायरे के मरकज और इस दायरे के वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता वितर पर उमूद होता है। ओके, सो द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके, द जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ऑफ अ of the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की जैसे कि आप मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर जैसे शक्ल में कि O दायरे का मरकज़ है, ठीक है। यहाँ पर in the figure O is the center of the circle and segment A is the chord and M is the midpoint of the chord and AB then segment OM is the perpendicular chord on AB। तो यहाँ पर आप शक्ल में देख सकते हैं बच्चे कि O दायरे का मरकज है और वितर AB का वस्ती नुक्ता जो है तो M है। तब हम देखेंगे कि AB जो वितर है इस पर OM क्या है, एक उमूद है, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये जो खुसियात है ये भी आपकी समझ में आई होगी क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है तो आगे होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आज के सेशन में आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप ये सारी इंफॉर्मेशन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो मालूमात आज के सेशन में आपको दी गई है तो ये सिर्फ आज या इस टॉपिक के लिहाज से है, ऐसा नहीं है। ये मालूमात आपको आइंदा ज़िंदगी में भी आइंदा क्लासों में भी काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। तो इससे अच्छी तरह से आपको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।